अस्सलाम वालेकुम। ये P0 का एरर है, ओरिएंट का एसी है। ये किट इसमें लगी हुई है, इसमें P0 का एरर आ रहा है। इसको चेक करेंगे अब कि ये P0 का एरर किस वजह से आता है। लेकिन ये P0 का एरर उस वक्त आता है जब कंप्रेसर ऑन होने लगता है, उस वक्त P0 का इसमें एरर आता है। अब मैं चेक करता हूँ इसको, ये एरर क्यों आता है और किस वजह से आता है P0 का। ये हमारा सारा सेटअप लगा हुआ है जी, हमारी क्लासेस भी शुरू हो रहती हैं कन्वर्टर एसी के हवाले से, किट रिपेयरिंग की। अगर किसी भाई ने काम करना हो तो वो आके काम कर सकता है, सीख सकता है काम। P0 के आर जो आता है, ये अमूमन इसको करते हैं हम ऑफ। ये मैंने इसको ऑफ कर दिया, ये मोटर इसकी रोक गई है। अब मैं इसको चेक करने लगा हूँ कि P0 का एरर आता क्यों है। मुख्तसर सी मूवी है, इसे पूरी देख लेने देख लें आप, ताकि आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा इससे। ये जो एरर है, ये हमेशा इसलिए इसके लिए जिसमें देखनी है आपने, ये होती है कि इसकी ड्राइव चेक कर सकते हैं आप। इसकी जो इसके लॉजिक पल्स आते हैं 6, उसमें इसके साथ जो IPM के साथ लगे होते हैं उसको चेक कर सकते हैं और IPM को चेक करते हैं। सबसे पहले मैं चेक करता हूँ IPM को कि IPM ये हमारा ठीक है या नहीं है। यहाँ पे इसको लगा के मैं कंटिन्यूटी पे लगा के, ये ऑटो मोड मीटर है ये वाला, इसको लगा के चेक करता हूँ। सबसे पहले तो मैं UVW चेक करता हूँ, शॉर्ट तो नहीं है। नहीं है, इधर से कर ले। ये देखिए, ये शॉर्ट नहीं है। अब मैं इसको करता हूँ ड्राइवर मोड पे। इसको ड्राइवर मोड पे करने के बाद इसको चेक करता हूँ कि ये हमारा जो UVW है, या ये देखें, ये एक UV, ठीक है जी, और ये W। IPM की टेस्टिंग की मूवी पूरी पड़ी है, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद हम, क्योंकि चलने के दौरान आता है, इसमें जो चंद एक SMD लगी होती हैं यहाँ पे इसके, वो चेक कर लेते हैं। इसमें कोई ड्राइव हिस्से में होती है, यहाँ पे लगी हुई, ये देखें आप, यहाँ पे लगी हुई होती हैं। लेकिन इसको हम करेंगे यहाँ से ऑटो पे, ये चेक करने लगा हूँ मैं अब। ये जो चेक करेंगे इसको, ये देखें आप मीटर पे रीडिंग, और इसकी दोनों दिखाएं, मीटर पे भी और उसके भी। ये हम चेक करते हैं इसकी, आपको ये देखें रीडिंग इस पे मिलेगी। ये मुख्तलिफ जो IPM लगा होता है या जो भी, उसकी हर की रीडिंग में तो फर्क होता है, लेकिन इसकी जो ड्राइव पिन होती हैं, ये देखें, ये मैं चेक कर रहा हूँ, ये देखें, ये ठीक है, ये भी SMD ठीक है। ये जो ना चांद एक SMD हमने देखनी होती है ये, कि ये ठीक है। अगर ये ठीक है तो इसके बाद हम बाकी चीज़ों को चेक करेंगे इसके, ये ठीक है। अब P0 का PO कोई मतलब, मुख्तलिफ इसमें एरर होते हैं, P1 ही एरर होता है, P0 भी कहते हैं, PO भी कहते हैं। अब इसका चेक करते हैं IPM, ये देखें। अब IPM मैं चेक करने लगा हूँ इसका, जैसे IPM चेक करूंगा, ये देखें आप, इसको मैं लगाऊंगा जहां पे डायोड मोड पे लगा दिया। अब इसकी रीडिंग मैंने चेक करने लगा हूँ इसकी, ये देखें आप, इसमें जरा गौर से देख सकते हैं। ये मैंने इसकी पिन यहाँ पे लगा दी डायोड मोड पे, इसकी ये देखें, मैं 6 इसकी पल्से चेक करने लगा हूँ, इसमें कोई फर्क तो नहीं है। ये देखें, यहाँ पे चेक करता हूँ मैं जब, तो यहाँ पे आपने रीडिंग देखनी नहीं है कि 6 की 6 सेम होनी चाहिए। ये आपको रीडिंग नज़र आ रही होगी थी, ये चेक करते रहें, और IPM भी दोनों की देखें, ठीक है जी। अब ये इस पॉइंट की भी देख लें, ठीक है। अब मैंने इस पॉइंट की भी चेक कर ली, ये देखें ठीक है। इसके बाद दूसरी पल्स मैं यहाँ पे चेक करूँगा, ये देख लें यहाँ से, ठीक है। ये देखें इसकी जो ये पल्स है, दोनों चीजें जरा दिखाएं, मेरा हाथ के यहाँ पे है उसका, ये देखें, ये भी इसकी, ये देखें रीडिंग इसमें गलत आ रही है, और ये देखें इसकी भी 6 की 6 लेवल में, ये भी देखें, ये ठीक है, और अब ये भी ठीक है। इसका जो IPM है ये हमारा खराब है, इसकी वजह से ये P0 का एरर आ रहा है। उम्मीद है, छोटी सी वीडियो है लेकिन उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। ज्यादा लंबी वीडियो बनाने का फायदा कोई नहीं होता, बिल्कुल मुख्तसर सी वीडियो है। फॉल्ट आपको मैंने दिखा दिया इसका, IPM जो खराब है, लो साइड इसकी, जिसकी वजह से P0 का एरर जो है ये शो कर रहा है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके साथ ही खुदा हाफिज।